नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दो दिन चुनाव के बचे हैं, माहौल अब सिमटने लगा है। जो जिस आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं उस आइडियोलॉजी में हैं। देखिए, जनता इस बार नेता को नहीं देख रही है, प्रत्याशी कौन है वो नहीं देख रही है। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, तो दूसरी तरफ मोदी। इस बार का चुनाव पिछले बार से कुछ अलग है, आपको एहसास हो रहा होगा इस बार कुछ। हमारे साथ तनवीर हसन जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और लगातार एक्टिव रहे हैं। इस बार आपको एहसास हो रहा है कि जो नेता को लोग देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी हो, प्रत्याशी को लोग नहीं देख रहे हैं, चाहे ललित हो चाहे गोपाल जी। नहीं, यहाँ मोदी जी के अलावा हमारे प्रत्याशी को भी देख रहे हैं, विकास की बात देख रहे हैं। और आँख में अगर मैल और धूल जम गई हो तो उसको साफ करना होगा। यहाँ तो विकास के पैमाने इतना लबरेज हो चुका है कि उस पैमाने से भी देख रहे हैं लोग गोपाल जी ठाकुर जी को। गोपाल जी ठाकुर को इस नजराने से भी देख रहे थे कि जब कांग्रेस का जमाना था तो 20 रुपया आया था बजट में, आज 2500 करोड़ रुपया आ गया मुजफ्फरपुर। विरोध क्यों हो रहा है? तो फिर विरोध क्या हो रहा है? जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ विरोध हो रहा है। तो वोटर तो विपक्ष का भी कुछ होता है ना, वोटर विपक्ष का नहीं होगा ऐसा तो प्रजातंत्र में होता नहीं है। विपक्ष का वोटर होता है, उसको आप उसका के कुछ भी करवा लीजिए, तो ऐसा भी होता है। लेकिन जहाँ तक कहते हैं कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन गोपाल जी पसंद नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, बीजेपी के समर्थक है तो वोटर मेरा है ही, वोट तो हमको देगा। कह रहा है कि मोदी को देंगे लेकिन गोपाल जी को नहीं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, विकास का काम। हम लोगों के यहाँ मनोज जी आप जानते हैं कि संगठन होता है, व्यक्ति विशेष के साथ साथ संगठन होता है। और लेकिन यहाँ दरभंगा में एक बहुत बड़ा फैक्टर मोदी जी के साथ साथ गोपाल जी ठाकुर भी है, चाहे वो मामला एम्स डेवलपमेंट का हो, चाहे मखाना अनुसंधान का हो, जीआई टैग का हो, चाहे समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण का मामला हो, बिजली विद्युतीकरण का मामला हो, लगातार केंद्रीय सारी योजनाओं को सफल धरातल पर उतारने की बात हो, वो सारा का सारा मजबूती के साथ गोपाल जी ठाकुर जी ने उतारा है। और निश्चित आने वाले समय में जो बचा हुआ काम है, जो जनता की जो ज़रूरी काम है, वो भी धरातल पे आएगा और निश्चित उतरेगा। और हाँ, लेकिन मोदी जी के आने के बाद माहौल थोड़ा सा बना, पहले तो नहीं था उतना माहौल। ये तो 5 साल में माहौल कहीं बिगड़ा ही नहीं ना, कहाँ बिगड़ा? 19 की तरह कहाँ 24 में जोश है, जो उत्साह 19 में था 24 में तो नजर नहीं आ रहा। आप भी तो थे दरभंगा राज मैदान में जब मोदी जी आए थे, आपने तो देखा था कि कितनी कुर्सियां थी, कितने लोग बाहर थे, कितने लोग अंदर थे, कितने लोग चारों तरफ ग्राउंड के थे, वो तो देखा था। और बाकी लोगों का भी यहाँ जो सभा हो रहा है वो भी आपने देखा है जी। तो क्या लगता है कि इस बार कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ? कहीं नहीं सर, मनोज जी बता दे, 2,67,000 से पिछली मरतबा जीते थे, इस बार हम लोग 3.5-4 लाख क्रॉस करेंगे निश्चित। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नजर नहीं आया? नहीं है, डेवलपमेंट बताइए तो। एक पंडित हरिनाथ मिश्रा जी, जिस जमाने में शायद हम लोगों ने बचपन में सुना कि एक DMCH बनाया था, तो कांग्रेस कितनी बड़े तादाद में रन कर गई थी यहाँ सिर्फ एक DMCH। और जो आदमी DMCH सुपर स्पेशलिटी और सारा इतना बड़ा 700 बेड का हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो रहा, निर्माण हो रहा, इतना ज़्यादा आपको जो है व्यावसायिक तौर पर देखा जाए तो इतना बड़ा खड़ा हो गया डेवलपमेंट, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक मोदी है, 400 जो प्रत्याशी है, कहीं कोई काम नहीं। झंझारपुर के प्रत्याशी काम नहीं किए, नज़र नहीं आया लोगों के। मधुबनी के प्रत्याशी फील्ड में नज़र नहीं आया, दरभंगा के प्रत्याशी। हम मोदी को तो इस तरह का मतलब जो बयान आता है वो दुखद है। एक जनप्रतिनिधि के बारे में अगर कोई जनता कहती है कि हमें प्रत्याशी का दर्शन नहीं हुआ, कभी हम देखे नहीं, तो ये तो दुख का बात, आपको भी होना चाहिए। अगर हम सत्ता में हैं ना, हम सत्ता में हैं तो हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे प्रत्याशी है जो यहाँ क्षेत्र को मतलब के लगातार मतलब के नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके प्रति तो किसी न किसी कुछ तबके का रोष रहेगा, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। और डोर टू डोर एक सांसद चला जाए, ये 30 लाख कहीं वोट है, दरभंगा में 26 लाख 25 लाख वोट है, तो डोर टू डोर जाना तो 5 साल भी कम पड़ जाएगा। और 2.5 साल तो कोरोना में चला गया गोपाल जी ठाकुर जी का, और बचा 2.5 साल। 2.5 साल में जो आपको विकास का ग्राफ है वो आप लोग भी जानते हैं कि बचा क्या है केंद्रीय योजना में, जो लाना है धरातल पर, जो बचा है वो भी आएगा निश्चित आएगा। अच्छा, आपके गठबंधन का क्या हाल है? चिराग पासवान गुट के लोग थोड़ा सा मायूस भी हो रहे हैं। आपको कहें तो जदयू के नेता कार्यकर्ता ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे एक्टिव बॉडी में। थोड़ा सा संजय झा को आमंत्रित नहीं किया जा रहा, क्योंकि कहा जा रहा है संजय झा आएंगे तो बहुत कुछ है, क्योंकि उनको महागठबंधन के नेताओं के बीच भी अपनी छाप है। संजय झा आपके वो मरदान मंत्री के हर मंच पे हैं, संजय झा हर जगह हैं, संजय झा कर रहे हैं सभाएँ। और परसों तरसों मेरे साथ चिराग पासवान जी थे, शाहनवाज हुसैन थे,
और उनका हेलीकॉप्टर से उतरते ही हम लोगों ने स्वागत किया था। और दूसरी बात, उनको 5 सीट मिला वहाँ, जो इतनी मजबूती से वो लड़ रहे हैं, तो वहाँ तो सारे बीजेपी लोगों का, सारे हमारे वहाँ गठबंधन का जो है समर्थन है, सब एक साथ हैं। हम लोग कहीं कोई दो मत नहीं है कि हम लोग उस सीट लूज़ करने जा रहे हैं। और चिराग पासवान जी अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनको अपना प्रत्याशी मिला है, सब जगह डेवलपमेंट है, बड़ी मजबूती से काम, और सब लोग जीत रहे हैं आपके। और दूसरी बात ये है कि जहाँ लोग कहते हैं कि हमारे गठबंधन में कहीं कहीं उनको टूट नज़र आ रहा है, तो हमको नज़र नहीं आएगा, वो तो इंडिया अलायंस गठबंधन को ही नज़र आएगा। जो हमारे प्रतिद्वंदी है उनको नज़र आएगा, वो मेरी तारीफ थोड़ा ही ना करेंगे। मेरी तारीफ क्यों करेंगे, हम भी नहीं करते, वो क्यों करेंगे। हम तो विकास की बात लेके पथ पे चले हैं। शाहनवाज हुसैन को दरकिनार कर दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला, जबकि बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं। अभी कहाँ दरकिनार किया, वो आपको मंत्री थे वो, और उसके औद्योगिक विकास मंत्री थे, और आपको MLC थे, और दूसरी बात के वो तो उद्यान मंत्री रहे, कैबिनेट में इस बार उनको तो लगातार मतलब कि आपको दिया जा रहा है। तो चेहरे तो मतलब संगठन, आपको तो मालूम है कि भाजपा एक संगठन है, और संगठन का जो आदेश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं। और व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग कहीं सरफोड़ा बोल नहीं होता है, हम लोगों के यहाँ संगठन जो तय करती है वही तय होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें, बस 2 दिन बचे हैं, यानी कि कल के बाद आप जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जिन लोगों को मत डालना है, जनता को, उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, वो कहाँ जाना है, किधर वो डालेंगे, वो लगभग अब तय हो चुका है। अब सवाल यह है कि जिस दिन 13 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर के वोट डालें, ये प्रजातंत्र की भी होगी। और दूसरी बात, आप अपने अपने नेता को जिता सकते हैं, सोचिए कौन किस नेता पर अपना मुहर लगाएगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद तनवीर जी। धन्यवाद आपका।